नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कोरोना ने सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर डाला है तो वो है हमारे छात्र, हमारे देश का भविष्य। कोरोना काल में इन्हीं छात्रों के शिक्षा व्यवस्था का पूरा तौर तरीका बदल गया। कोरोना ने न सिर्फ पढ़ाई के तरीके को बदल दिया बल्कि परीक्षाओं का पैटर्न भी बदल कर रख दिया है। 2020-21 के सत्र में जहां एक तरफ परीक्षाएं ही नहीं हुई, छात्रों को अब तक ये भी नहीं मालूम पड़ा कि आखिर मार्किंग का जो तरीका CBSE अपनाने जा रही है वो उनके लिए किस हद तक और कितना सही साबित होगा या उनके आगे के करियर में इसका किस तरह का परिणाम होगा। वहीं अब CBSE ने 2021-22 के लिए परीक्षाओं का एक नया पैटर्न छात्रों के लिए घोषित कर दिया। अब छात्र दुविधा में है, अभिभावक परेशान है, शिक्षक असमंजस में है कि आखिर नई परीक्षा प्रणाली के तहत पूरे कोर्स को छात्रों के भविष्य के हिसाब से कैसे पढ़ाया जाए। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि एग्जाम का ये एक्सपेरिमेंट छात्रों के भविष्य को आगे किस राह पर ले जाएगा। लेकिन पहले आपको ये दिखाते हैं कि CBSE ने फॉर्मूला तय क्या किया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और फिर करेंगे इस पर चर्चा। कोरोना महामारी के दौर में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के बाद CBSE ने अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 के लिए तैयारी कर ली है। CBSE ने 2021-2022 में कक्षा 10वीं से कक्षा 12वीं तक के लिए स्पेशल असेसमेंट स्कीम की घोषणा की। 10वीं और 12वीं के बोर्ड के लिए इस शैक्षणिक साल को दो भागों में बांटा गया है। पहले सत्र का एग्जाम नवंबर दिसंबर महीने में होगा, जबकि दूसरे सत्र की परीक्षा मार्च अप्रैल में करवाई जाएगी। टर्म वन की परीक्षाएं नवंबर दिसंबर 2021 में होंगी, मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे, रैशनलाइजिंग सिलेबस के केवल पहले भाग को कवर करेंगे। ये परीक्षाएं 90 मिनट की अवधि की होंगी। बोर्ड प्रश्न पत्रों और मार्किंग स्कीम को स्कूलों को भेजेगा। बाहरी परीक्षकों और पर्यवेक्षकों की देखरेख में परीक्षाएं होंगी। परीक्षा के बाद बोर्ड के पास परिणाम भेजे जाएंगे। टर्म टू की परीक्षाएं मार्च अप्रैल 2022 में होंगी। कई फॉर्मेट में पूछे जाएंगे सवाल। दो घंटे के पेपर होंगे। यदि स्थिति परीक्षा के लिए नहीं होगी तो टर्म टू की परीक्षाएं भी 90 मिनट की होंगी। MCU पेपर के रूप में ही आयोजित होंगी परीक्षा। दोनों टर्म एंड परीक्षाओं के परिणाम फाइनल में जुड़ेंगे। CBSE ने दिए हैं चार ऑप्शंस। नंबर वन, यदि दोनों टर्म एंड एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित की जा सकती हैं, तो दोनों परीक्षाओं के बीच थ्योरी को मार्क्स समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। नंबर दो, यदि टर्म वन परीक्षा के समय स्कूल बंद करना पड़ता है और छात्रों को अपने घरों से ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा लिखनी होती है, लेकिन टर्म टू की परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाती है, तो ऐसी स्थिति में टर्म वन परीक्षा की वेटेज को फाइनल स्कोर के लिए कम कर दिया जाएगा और फाइनल रिजल्ट्स की घोषणा के लिए टर्म टू परीक्षा का वेटेज बढ़ाया जाएगा। नंबर थ्री, अगर टर्म वन की परीक्षाएं स्कूल में आयोजित की जाती है लेकिन टर्म टू की परीक्षाएं केंद्र में आयोजित नहीं की जा सकती हैं और छात्र इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन देते हैं, तो ऐसी स्थिति में परिणाम टर्म वन MCQ में छात्रों के प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित होंगे। ईयर एंड रिजल्ट के लिए टर्म टू की परीक्षाओं के अंकों का वेटेज बढ़ाया जाएगा। नंबर फोर, यदि स्कूलों या केंद्रों में कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है तो रिजल्ट की गणना आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल के आधार पर की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और चलिए इसी एग्जाम के एक्सपेरिमेंट पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ गीता विद्यार्थी, कोषाध्यक्ष है गौतम बुद्ध नगर पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। इसके अलावा LVI स्कूल की शिक्षिका रश्मि राय भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले गीता विद्यार्थी जी, आप ही के पास आऊँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि एग्जाम के इस एक्सपेरिमेंट पर आप क्या सोचती है,
क्या लगता है आपको कि सत्तक ये कारगर साबित हो सकता है? और सीबीएसई ने ये जो चार ऑप्शंस रखे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या मानना है आपका? मेरा मानना है कि शिल्पा, इसमें बच्चों को फायदा है, क्योंकि 50% का एग्जाम देना है उन्हें हर बार, 100% का एग्जाम नहीं देना है। जो कोर्स में कटौती हुई है, लास्ट ईयर भी हुई थी, और वो अभी तक मेरे ख्याल से कुछ स्कूलों को क्लियर नहीं किया गया था। सीबीएसई ने अभी अनाउंस किया है कि ये क्लियर किया जाएगा, तो वो जुलाई के मंथ में आएगा, बट लास्ट ईयर का हमें फॉलो करना चाहिए था। बहुत सारे कोर्स हो गए होंगे, 50% का कोर्स देने में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरा पॉइंट यही है कि वो एग्जाम नवंबर दिसंबर में ना होके हाफ ईयरली के कोर्स खत्म हो जाता है पहले ही, तो वो कोर्स हमारा एग्जाम दिया जा सकता है। सितंबर अक्टूबर में बच्चे एग्जाम दे सकते थे, उन्हें 3 महीना और इंतजार करके एग्जाम नहीं देना, फ्रेश माइंड में एग्जाम देना ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, रश्मि राय, आपका फर्स्ट रिएक्शन सीबीएसई के इन चार ऑप्शंस पर, एग्जाम के इस एक्सपेरिमेंट पर? सीबीएसई ने निर्णय तो अच्छा लिया है, क्योंकि इस बार तैयारी पहले से कर रही है कि मतलब अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो असेसमेंट को लेकर के कोई इश्यू ना आए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और 11th के थ्योरी के मार्क्स लेने पड़ रहे हैं और बहुत बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं है। मॉडरेशन की डिमांड की जा रही है, तो उसे लग रहा होगा कि नहीं अब इस ईयर क्या होगा, कैसा होगा। तो आई थिंक उनकी प्लानिंग तो काफी अच्छी है। इसमें कुछ मतलब चीजें हैं जो आई थिंक क्लियर करेंगे, वो जुलाई में क्लियर करेंगे। सीबीएसई ने जब अभी नए साल का अपना करिकुलम डाला था तो उसमें चॉपिंग नहीं थी, उसको उन्होंने कम नहीं किया, सिलेबस को वापस रिवाइज कर दिया था। फुल फ्लेज्ड जितना सिलेबस था पहले, उतना ही सिलेबस रिवाइज कर दिया था। मतलब कि जो पैंडेमिक सिचुएशन में ऑलमोस्ट 30% रिडक्शन हुआ था, वो भी नहीं था ये वाले सिलेबस में। और काफी स्कूलों में काफी ज्यादा सिलेबस बहुत तेज चलता है 12th में और होने लगा है, और हम पढ़ा भी चुके हैं। अब देखते हैं कि वो जुलाई में जो नया सिलेबस लाते हैं उसमें बेसिकली कितना चॉपिंग करते हैं, कितना रिडक्शन करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि कितने यूटी हम करा रहे हैं, कितने एग्जाम हम करा रहे हैं, नवंबर के पहले कितने मार्क के कराने हैं, और जैसे उन्होंने लिखा है ना कि एंड ऑफ द टॉपिक के फॉर्म में टेस्ट ले लीजिए, यूटी ले लीजिए, या फिर किसी भी तरह से 3 टेस्ट हो जाने चाहिए। अब वो टेस्ट भी कराने हैं, तो अब वो समझ नहीं आ रहा कि नवंबर के पहले होने हैं तो कितने सिलेबस के साथ होने हैं, नवंबर के बाद होने हैं तो किस सिलेबस के साथ होने हैं। तो ये आई थिंक वो क्लियर करेंगे। बाकी फायदा है या नुकसान है, तो फिलहाल तो फायदा ही है, क्योंकि कुछ हमारे पास पहले से होगा। ऐसा नहीं है कि हमें पास देखना पड़ेगा कि तुमने 10th में कैसे परफॉर्म किया था, तुमने 11th में कैसा किया था, जो भी है वो हमारे सामने होगा और तैयारी भी होती रहेगी। बच्चे पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, उनके पास पहले से ही ऑप्शन होंगे कि अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे तो फायदा बहुत मिलेगा। हाँ, क्योंकि बच्चे थोड़ा थोड़ा अगर फ्रेगमेंट्स में पढ़ते रहेंगे ना, तोड़ तोड़ के सब्जेक्ट को, तो उन्हें फायदा भी मिलेगा। एमसीक्यू टेस्टिंग है, और फिर उन्होंने बहुत क्लियर किया है कि वैसे तो एग्जाम सीबीएसई ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में स्कूल में होगा, लेकिन अगर इन केस नहीं हो पाता है तो उसका क्या तोड़ होगा, अगर वो भी नहीं हो पाता है तो उसका क्या तोड़ होगा। और फिर बहुत से बच्चे प्रोजेक्ट्स और फाइल्स को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे थे, तो अच्छा है कि इसके बाद वो बहुत सीरियसली लेने लगेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने हमें उसके लिए भी बोला था ना, आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग के लिए भी बोला था, जिसको उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लोरिंग टर्म दिया हुआ है कि कोई भी अलग से एक्टिविटी प्रोजेक्ट और फाइल के बाद कोई भी दूसरी एक्टिविटी हम ले सकते हैं। तो बेसिकली वो वाला असेसमेंट का क्या वेटेज रहेगा, उसमें से कितने परसेंटेज की बात है, वो भी अभी तो क्लियर नहीं है, पर उसमें लिखा हुआ है कि वो cbse.nic.in पे बहुत जल्दी ये चीज क्लियर करेंगे। तो आई थिंक ज्यादा आइडिया मिलेगा हमें विद इन जुलाई, काफी अच्छे से वो हमें क्लियर हो जाएगा। अभी भी बट अभी सिलेबस हर स्कूल में एकदम अलग अलग चल रहा है। कंफ्यूजन एक ये है कि आई थिंक वो नवंबर दिसंबर का जो उन्होंने टाइम दिया है, उसके पीछे ये रीजनिंग हो सकती है कि हर स्कूल में ना सिलेबस अलग है, कोई volume 1 से शुरू करता है बुक के, कोई 2 से शुरू करता है, कोई ऑर्गेनिक, जैसे मैं तो केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो कोई ऑर्गेनिक पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। अब सीबीएसई ने अगर पहले बता दिया होता तो एक नॉर्मल तरीके से सिलेबस शुरू होता, सबकी माइक्रो प्लानिंग अलग होती है, तो सब लोग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, तो अब ये प्रॉब्लम आएगी। लगातार जुड़ी हुई है गीता जी, यानी कि कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी बरकरार है, और इस वजह से कहीं ना कहीं टीचर्स भी कंफ्यूज है, तो बच्चे किस हद तक कंफ्यूज होंगे समझा जा सकता है, कैसी सिचुएशन से डील किया जाए?
एक्चुअली इन्हें पहले निकाल देना चाहिए था, जब लास्ट ईयर का एग्जाम्पल हमारे सामने था और लास्ट ईयर के बच्चे वैसे ही 3-4 महीने इंतज़ार कर चुके थे एग्ज़ाम देने के लिए, अब है एग्ज़ाम करके उनका बहुत टाइम वेस्ट किया गया। इनको ये पहले बता देना चाहिए था, मार्च में एग्ज़ाम, मतलब मार्च में कोर्स शुरू हुआ था, 10th का 12th का सबसे पहले कोर्स शुरू हो जाता है, उस वक्त अगर इन्होंने ये क्लैरिटी दी होती कि क्या कोर्स पढ़ाया जाएगा, क्या सिलेबस होगा, तो बेटर होता। बट वही जैसा मैंने पॉइंट आउट किया कि क्या रैशनलाइज कोर्स है वो पता नहीं है, कुछ स्कूल करवा चुके होते हैं जी। अब वो क्लासेस आपकी बर्बाद हो गई, वो क्लासेस काउंट भी हो गई कि हमने इतनी क्लासेस करवाई हैं, और स्टूडेंट और टीचर दोनों का टाइम वेस्ट हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ इसका। ये इन्हें पहले बताना चाहिए था, अभी 2-3 महीने निकल चुके हैं क्लास के और अभी भी बोल रहे हैं कि जुलाई में बताएंगे, सो दैट इज नॉट राइट। जुलाई में नहीं, इन्हें पहले बताना चाहिए था, क्योंकि अभी भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं अपने, उनके यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आहिस्ता आहिस्ता करके ये हम 50% का कोर्स अगर हम कवर करवाते हैं, बहुत स्कूलों में तो ये कोर्स अभी इस वक्त मैं बोलूँगी कि बहुत स्कूलों में ऑलमोस्ट 50% कोर्स ख़त्म कर चुके हैं, बहुत स्कूल बहुत फास्ट चल रहे हैं कुछ स्कूल। ऐसे तो जुलाई एंड जो भी नई चीजें आएंगी बहुत नुकसान हो जाएगा, उनका नुकसान होगा, और प्लस उन्हें 8 महीना इंतजार करना होगा अपने हाफ ईयर लीज देने के लिए। आप समझ सकते हैं नवंबर टू दिसंबर बहुत ज्यादा लेट है उनके लिए, सितंबर अक्टूबर में फिर भी फ्रेश है, वो पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। प्लस ट्वेल्थ में एक इन्होंने डिफरेंस निकाला था मैथ्स का, कोर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथ्स, वो जो डिफरेंस है, क्या जो स्कूलों ने वो पढ़ाया है उसके हिसाब से कोर्स आएगा, क्या उसके हिसाब से पेपर देंगे, अभी ये भी क्लियर नहीं हुआ है सीबीएसई से। यानी कि रश्मि राय आपके पास आते हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स सीधे तौर पर आपसे यही तो सवाल करते होंगे कि मैम हम जो पढ़ रहे हैं क्या ये आएगा भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट होता है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसे पहले पढ़ा जाए, बाकी चीजों को वो छोड़ भी देते हैं। ऐसे में आप किस तरह से बच्चों के साथ डील करती है, कैसे उन्हें समझाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे उन्हें कन्विंस करती है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हो शिल्पा। हाँ शिल्पा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बल्कि आज सुबह ही मेरी क्लास में एक बच्चे ने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैम हम तो ये पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाला पोर्शन नहीं आएगा और ये वाला आ जाएगा एंड ऑल दैट। पर एक बात तो सोचो आप, इन जनरल हम हमेशा सिलेबस ही पूरा खत्म कर देते हैं अक्टूबर तक, 12th का जो सिलेबस होता है हम पूरा खत्म कर देते हैं। हम इसे उदाहरण के तरीके से समझ लेते हैं कि 16 चैप्टर्स हैं और मेरी केमिस्ट्री में है ना, और 16 चैप्टर्स हम पूरी तरीके से कोई भी स्कूल पहले 2 हफ्ते में नवंबर तक तो हर स्कूल खत्म कर देता है, चाहे डीपीएस, एमिटी, लोटस वैली, मैक्सिमम स्कूलों में फर्स्ट प्री बोर्ड दिसंबर में हो जाते हैं। तो ये तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई क्राइटेरिया होगा कि हो पाया कि नहीं हो पाया, हो तो जाएगा, सिलेबस तो खत्म हो जाएगा, तो उसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये वाली आ सकती है कि उसके पहले हमें कितने एग्जाम करा लेने हैं, मतलब वो 50% ले रहे हैं ना, एग्जैक्टली वो 50% तो वो हमारे यहाँ से डिस्कस कर लेंगे कि आप कौन सा 50% ले, सिलेबस क्या हुआ है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, सिलेबस पूरा हो जाएगा हर स्कूल में पूरा हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं अभी आज के डेट में बोलूं तो हम 45% सिलेबस खत्म कर चुके हैं, तो हम तो 100% खत्म कर लेंगे नवंबर तक, ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो भी खत्म कर लेंगे, हम रिवीजन के फॉर्म में आ चुके होंगे। अब उनका मेरे को लगता है कि ये तरीका ना एक पर्टिकुलर स्कूल को सोच के नहीं होता है, सीबीएसई सोचता है तो पूरा इंडिया लेवल पे सोचता है, सारी स्कूल हर स्कूल में पढ़ाई इतनी सिस्टमेटिक चल रही है कि नहीं, क्लासेस पूरी हो पा रही है कि नहीं, कितना स्कूल कितना सिलेबस कर पा रहा है। तो वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि बस ऐसे ही सोच लिया और हम तो अभी करा देंगे अक्टूबर में करा देंगे, वो नहीं हो सकता, उन्हें बहुत बड़े तौर पे ये चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो ये उनके पीछे जवाबदेही बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, मुझे बस ये क्लैरिटी का थोड़ा सा लग रहा है जी। हाँ जी। क्योंकि वो ऐसे नहीं कर सकते ना कि सारे स्कूल बस अच्छे स्कूल ही हैं और वो करा देंगे और हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सर स्कूल अच्छे लेवल के स्कूल होते हैं, हर बच्चे के पास हर सुविधा है, हर ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे भी 2 चैप्टर कर पाए होंगे, 3 कर पाए होंगे, 4 कर पाए होंगे, तो बहुत बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास ये सारी ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं नहीं है, वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं उनका भी सोचना होता है, नहीं है। और आपको पता है जैसे कि सीबीएसई खुद देखे तो कितने केवी तो खुल गए,
टीचर्स जा भी रहे थे वहां से ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, तो सबका अपना अपना तरीका होता है, तो वो तो चलो एक अलग बात है। लेकिन बस ये बात और है कि जुलाई के आने वाले समय में ये सीबीएसई जो सिलेबस चॉपिंग की बातें कर रहा है कि हम रिड्यूस करेंगे, वो जल्दी बता दें, क्योंकि वो पढ़ा देंगे तो मुश्किल होगी। हम तो पढ़ा देंगे, यानी कि जो भी प्रोसेस वो तैयार रहते हैं, क्योंकि अंजाम देना चाहते हैं, जो भी वो फैसला लेना चाहते हैं या जो भी वो चेंजेस करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द हो, गीता विद्यार्थी जी, ताकि बच्चों के बीच कंफ्यूजन भी कम से कम हो, साथ ही साथ बच्चे जो टेंशन झेल रहे हैं इस समय वो उनकी टेंशन खत्म हो जाए और वो सिर्फ एग्जाम्स की टेंशन ले, अपनी पढ़ाई की टेंशन ले, इसके अलावा और कुछ नहीं। गीता जी बिल्कुल शिल्पा, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन है और अभी भी सिर्फ टीचर ने इतना ही इन्फॉर्म किया आज सुबह कि दो बार में एग्जाम होंगे 50-50%, बट इसमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं मिली। प्लस जिसके टर्म वन ऑनलाइन हो गए तो उसका टर्म टू ऑनलाइन हो गया, वेटेज टर्म वन की चली जाएगी, इनको मेरे ख्याल से बराबर कर देना चाहिए फाइनली। ऑनलाइन ऑफलाइन पे ज़्यादा स्टिक नहीं करना चाहिए, वी ऑल नो कि अभी कोविड है, अभी रहेगा, तो कब फिर से आ जाएगा, फिर एक लहर शुरू हो जाएगी, हमें इतना पता नहीं है। इस चीज पे हमें स्टिक करना चाहिए कि 50% का जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें आपके 50% में मार्क्स आ जाएंगे और उसको लिया जाएगा, उसको अलग अलग ना किया जाए कि ऑफलाइन दिया आपने, स्कूल में आके दिया तभी आपके मार्क्स लगेंगे। वेटेज वो बोल रहे हैं कि वेटेज हम चेंज करेंगे, उस वक्त बढ़ा देंगे ऑफलाइन की, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि उन्होंने ये भी क्लैरिफाई नहीं किया वेटेज कितनी बढ़ाएंगे, 70-30 करेंगे, 60-40 करेंगे, क्या करेंगे उसके बाद, इंटरनल मार्किंग की वेटेज कितनी होगी, प्लस जो कोर्स ये बोल रहे हैं रश्मि की चॉपिंग करेंगे, और जो उन्होंने बोला है रैशनलाइज कोर्स, वो 30% पे रिडक्शन पे है, लेकिन वो कोर्स उन्होंने कहा है कि अभी लास्ट ईयर के हिसाब से पढ़ाओ, अभी हम फिर बताएंगे जी। तो बहुत ही अभी फ्लूइड है, लेकिन डर ही इसी बात का है, आशंका ही इसी बात की है कि अगर पुराने पैटर्न के हिसाब से पढ़ा दिया और अचानक से कुछ नया पैटर्न हमारे सामने रख दिया गया, तो फिर बच्चे तुरंत इमीडिएटली कैसे कॉप अप करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, और बहुत सारे सवाल भी उनके सामने हैं। ऐसे में जो भी चीजें उन्हें करनी है जल्द से जल्द करनी होगी, ताकि एक फिक्स पैटर्न के साथ बच्चे अपना माइंडसेट बनाकर आगे पढ़ाई करना शुरू कर सके, अपने एग्जाम की तैयारियां करनी शुरू कर सके। रश्मि जी क्या कहेंगी, मैम फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपका, एग्जाम के इस एक्सपेरिमेंट को लेकर फिलहाल आपको ये रास्ता किस तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, छात्रों का भविष्य क्योंकि इस पर टिका हुआ है। शिल्पा सीबीएसई ने मुझे ऐसा लगता है कि पूरा मोटिवेशन इसलिए दिया है कि बच्चे पढ़ें, अगर वो पहले से ही मॉडरेशन की और इस तरह की चीजों की बातें करेंगे ना कि हम इसका भी लेंगे असेसमेंट और उसके भी परसेंटेज लेंगे फाइनल वेटेज के लिए, तो बच्चे ना पढ़ते नहीं है, वो ऑनलाइन मोड में चले गए हैं तो वो पढ़ाई नहीं करते। Exactly. तो अच्छी बात है कि वो बच्चों को यही बोल के रखें कि अगर ये एग्जाम ऑनलाइन हुआ तो हम इसके ही मतलब इतने ही परसेंट लेंगे, इसका परसेंटेज हम कम कर देंगे, और अगर एग्जाम दोनों फिजिकल हुए तो दोनों का इक्वल वेटेज आएगा। इससे बच्चों को एटलीस्ट ये मोटिवेशन रहेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, ऑनलाइन में चीटिंग करके तो काम चलेगा नहीं ना, मतलब कि फिजिकल एग्जाम भी हो सकता है और एक्टिविटीज ज्यादा है, ये डर अंदर रहना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपके भी सामने आ जाएंगे, तभी पढ़ते हैं बोर्ड पर बहुत हद तक बच्चे चीटिंग का सहारा, बच्चे ना तभी पढ़ते हैं जब उनको पहले से क्लियर रहता है कि एग्जाम कभी भी और कैसे भी किसी भी हालात में हो सकता है। Exactly. तो एक ये चीज तो बिल्कुल सही है कि सीबीएसई ने डरा के रखा है कि अगर ऑनलाइन हो गया तो हम उसका वेटेज कम कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। और मल्टीपल असेसमेंट की जो पोर्टफोलियो की बात की है, तो बहुत से बच्चे ऐसे करते रहते हैं ना कि हम स्कूल की क्लास में नहीं आ रहे, अभी नहीं कर रहे, हम कहीं और बिजी हैं, तो उन्हें बता दिया है कि तुम अपना पोर्टफोलियो बना के रखो, अगर किसी वजह से एग्जाम दोनों नहीं हो पाए तो हमारे पास एविडेंस तो रहेगा, कोई प्रमाण चाहिए, हम किस चीज पे तुम्हें नंबर देंगे, तो कोई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, है ना, तो वो भी उन्होंने टाइम दे दिया, अभी से बनाओ नवंबर तक बन जाएगा। अच्छा हम तो समर ब्रेक में ही बनवा देते हैं सारी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें जो भी हमारी होती हैं। एक और चीज जो ये बात हो रही है कि सिलेबस जो हटाने की, तो मुझे जहां तक लगता है कि स्कूल जितने भी हैं जो प्लानिंग से पढ़ाते हैं वो एक इंटीग्रल अप्रोच के साथ ही पढ़ाते हैं। इंटीग्रल का मतलब कि जैसे मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, कोई टॉपिक पढ़ाया, तो मैं उसके बाद वही चैप्टर पढ़ाती हूँ जो उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद भी वही चैप्टर पढ़ाती हूँ जो उससे जुड़ा हुआ है, तो एटलीस्ट जब 4-5 चैप्टर में खत्म करती हूँ वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। और सीबीएसई हमेशा वही चैप्टर सिलेबस से हटाने की बातें कर रहा है या करता था जो इंटीग्रल अप्रोच से जुड़े हुए नहीं है, नहीं है।
तो जो पहले भी हटे हुए थे वो सब भी हमारे चैप्टर्स ऐसे नहीं थे जिनका आगे या पीछे कोई मतलब था। समय की कमी है, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट होगा, बस अब जल्दी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या सुझाव देना चाहेंगी और क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? मेरा सुझाव यही है शिल्पा कि एग्ज़ाम हाफ ईयरलीज वाले जल्दी होने चाहिए। जैसा कि आपसे रश्मि ने भी बोला कि कोर्स अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा, 50% का एग्ज़ाम अजाम से लिया जा सकता है सितंबर अक्टूबर में। बाकी इट इज़ अ वेरी वेलकम, हम बहुत ज़्यादा इसको वेलकम कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि 50% के एग्ज़ाम में बच्चे पढ़ेंगे भी और मार्क्स भी लाएंगे। ऑनलाइन मोड में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, बट आई थिंक दे विल डू बेटर दिस टाइम, एंड सब बच्चों को थोड़ी राहत तो मिल ही रही है इस साल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गीता विद्यार्थी जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। रश्मि राय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो कुल मिलाकर कन्फ्यूजन की स्थिति को खत्म करना होगा, CBSE को इस बारे में सोचना होगा, जो भी चेंजेस करने हैं जल्द से जल्द करें ताकि एक फिक्स पैटर्न के साथ बच्चे अपना माइंड सेट करते हुए पढ़ाई की राह पर आगे बढ़े, अपने आप को एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर कर सके, ताकि उनके पेरेंट्स को भी कोई परेशानी ना हो और टीचर्स और बच्चों के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ एग्जाम्स को दिलवाया जा सके। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, आप बने रहें जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।